तो यहाँ पर आप देखिए सिमरन जी बैठी हुए। हेलो सिमरन जी, कैसे हो आप? मैं अच्छी, आप कैसे? सिमरन जी का घर वगैरह तो आप देख लीजिए, अभी तो फिलहाल काम चल रहा है, लेकिन जब अच्छा आपने कितना पैसा हमें दिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे, आपका भाई भी ठीक ठाक है। तो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पे होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, तो इनका नाम है सिमरन यादव, जो लखनऊ की रहने वाली हैं और इन्होंने लखनऊ में धूम मचा रखी है सोशल मीडिया पर। और इनके इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पर लगभग दो अकाउंट हैं, एक है सिमरन वायरल क्रिएटर जिस पर 1,06,000 समथिंग फॉलोअर्स हो चुके हैं, और एक है सिमरन यादव _28 जिस पर लगभग 1,000,000 फॉलोवर उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। फेसबुक पेज की बात करें तो लगभग 40,00,000 यानी 4,000,000 उन्होंने फॉलोवर्स उस पर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, अभी मैं वहीं पर खड़ा हूँ उनके घर के प्लॉट के पास, तो उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। और चलिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, एंड तक देखिए तभी आपको मजा आएगा। तो बिना देरी करते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फाइनली हम और सरवन भैया आए हुए हैं उनके प्लॉट पे। अगर हमने एक और वीडियो यहाँ का बनाया था, जस्ट अभी हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। यहाँ पर चल रहा है काम, तो फाइनली हम आपको मिलवाने वाले हैं उनसे। तो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होंगे, आपको मिलवाने वाले हैं सिमरन जी से। तो यहाँ पर आप देखिए सिमरन जी बैठी हुए। हेलो सिमरन जी, कैसे हो आप? मैं अच्छी, आप कैसे? मैं भी ठीक ठाक हूँ। और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, मेरे घर का काम चल रहा है, अभी फर्श बन रही है। फर्श बन रही है। और इधर देखिए आंटी जी बैठी हुई हैं। काम चल रहा है कैसा आंटी जी? अभी पूरा घर कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों को पूरा मैं दिखाऊंगी अपने। मैंने यहाँ का पहले भी वीडियो एक बना रखा है जिसमें मैंने बाहर से ही दिखाया था, मतलब तो आज आप अंदर से दिखा सकते हैं, पूरा घर खुला हुआ है। अच्छा, अंदर से भी मेरे घर में फोटो खींचके चले गए थे। अब क्या करें, यहाँ कोई है नहीं, वो भी अटा, एक घर हो तो पता चले, तीन चार घर है, कहाँ कहाँ। तो आज जाइए आप, दिखाइए सिमरन यादव का घर अंदर। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। और बहुत बहुत बधाई आपको, इंस्टाग्राम पे आपके 1,000,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बहुत बहुत बधाई। और फेसबुक पर लगभग 40,00,000 फॉलोवर हो चुके हैं आपके, और यूट्यूब पर भी अब ये कदम रखने वाले हैं। स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी हेल्प कर रहे हैं। यूट्यूब पर आने वाले हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, डेली ब्लॉग्स वगैरह आएंगे की ट्रेवलिंग के, डेली आएंगे ना? हाँ डेली आएंगे, डेली आएंगे। तो चलिए चलते हैं, आपको घर दिखाते हैं सिमरन जी का। अभी तो फिलहाल काम चल रहा है, तो चलते हैं, बैक कैमरे को ऑन करते हैं। तो गाइस फाइनली जा रहे हैं सिमरन जी के साथ उनके घर को देखने के लिए, जो कि यहाँ पे काम चल रहा है। आ जाओ भाई, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे काम चल रहा है, फाइनली मैं एंट्री कर चुका हूँ। इधर देखो भैया जो है सिमरन वगैरह ले जा रहे हैं, खाली कर खर्च वगैरह बनेगी। आओ मेरा, तो बहुत सारे लोग जो है देखना चाहते हैं कि सिमरन जी का घर वगैरह, तो आप देख लीजिए अभी तो फिलहाल काम चल रहा है, लेकिन जब बन के तैयार हो जाएगा तो फिर से आएंगे। अच्छा, आपके पास बहुत सारे लोग कमेंट भी करते होंगे, आपका घर कहाँ पे है? हाँ। आप कितना पैसा अर्न करती हैं, कुछ ऐसा है? अच्छा, आपने कितना पैसा अर्न किया? सबको लगता है कि मैं इतना कमाती हूँ इसलिए इतना कुछ, ऐसा कुछ नहीं, भगवान की कृपा है, अच्छा होता है सब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये किचन है, जहाँ पर शायद आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर सेटअप भी होगा। हाँ, अब जो दिवाली आएगी उस पर हम शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। ये एक इधर और एक और रूम है, इधर आप देख सकते अभी, क्योंकि बताया ना मेंटेनेंस बाकी है, टाइल्स करना है और वैसे आप प्रेजेंट टाइम मतलब कहाँ पता ही चलता कहाँ रहती इस घर? हाँ, हाँ, मैंने इंस्टा पे भी बताया कि मेरे तीन चार घर है, एक घर मेरा मोती नगर में है और नाके साइड, एक घर मेरा पारा में है और एक घर मेरा एक और गोमती नगर में है।
अभी तो मैं मोदी नगर में रहती हूँ, वहाँ से मेरा स्कूल पास है। तो जो आपके फैंस हैं, फॉलोवर हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, उसके लिए क्या मतलब आगे कुछ रहेगा मीटअप वगैरह का? हाँ, मैं सोच रही थी मीटअप करूंगी, लेकिन अभी मेरा कोई फिक्स नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ, इसलिए मैं किसी को बताऊंगी कि आप यहाँ पर आ जाओ, फिर मैं मिलूंगी। किधर? ये स्टोर रूम है। ये स्टोर रूम है, बड़ी यार। अच्छा सुमन जी, एक क्वेश्चन है मेरा कि जब आप अपना कदम कब रखे थे सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे मैंने पिछले साल होली पे स्टार्ट किया। एक साल हो गया? एक साल हो गया। एक साल में नहीं इतना जो है अचीवमेंट कम्प्लीट कर लिया। अच्छा, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिला? मम्मी का। अच्छा, आपकी मम्मी, जैसा कि देखा हुआ आपने, बताया हुआ कैमरा मैन भी आपकी मम्मी से? हाँ, क्योंकि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, और आपको तो पता है सबसे ज्यादा तो कैमरे पे रहता है कि कोई मेरा कैमरा संभाले, तो मैं कहीं जाती हूँ तो मम्मा ही मेरी वीडियो शूट करती है। अच्छा, आप जो है हाईवे पे ज्यादातर वीडियो शूट करती है, तो उस पर लोगों का रिएक्शन क्या रहता है, जो चाहते रहते हैं उनका? हाँ, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप वीडियो इतनी अच्छी बनाते हो। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, कुछ लोग हंसी आती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आप रोड पे नाचती है, डांस करती है, शर्म नहीं आती। तो वही है, कुछ लोग क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है, मैं वही वीडियो शूट करती हूँ। अब जिन्होंने इंस्टाग्राम को बनाया यही सोचने लगते हैं, तो फिर उस पर लाखों क्रिएटर्स कहाँ से आते हैं? नहीं, सबकी अपनी सोच है, जिसका जो मन है वो कर सकता है। जो हमारे न्यू क्रिएटर्स आने वाले, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कहना चाहूँगी, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो, अगर आपको रूम में वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो रूम में बनाओ, अगर पब्लिक में अच्छा लगता है तो पब्लिक में बनाओ। लेकिन सपोर्ट होना चाहिए घर वालों को। हाँ, सपोर्ट होना चाहिए घर वालों को। आप परमिशन ले लो अपने पेरेंट्स से कि हम यहाँ वीडियो शूट कर ले, आपको अच्छा लगे। तो देखा, सिंपल सी लाइफ है और मैंने पूरा आपको दिखा दिया। बाकी का वीडियो रहेगा वो हम अगली बार जब कभी आएंगे तो फिर बनाएंगे। हाँ, जरूर, मैं आपको पर्सनली बुलाऊंगी जब मेरा पूरा घर मेंटेन हो जाएगा। अभी आप देख लो मेरा घर कैसे दिख रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप देख लेना कि मेरा घर कैसा दिखेगा। और थैंक यू सो मच, आप मुझसे इतनी दूर से मिल रहे हैं। थैंक यू, तो हमें बोलना चाहिए आपने जो इतना समय दिया, कीमती समय। नहीं, चुपके चुपके चले गए, कोई नहीं था मेरे घर पे, सबको पता, ब्लॉग आपने देखा होगा पहले वाला। अभी आए तो मैं मिल गई, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, आपने इतना समय दिया। तो चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको घर, फिर बाहर चलते हैं। सिमरन जी हमको ले जा रहे हैं टेरेस पे, जहाँ पे वो अक्सर रील बनाया करती हैं। तो चल रहे हैं हम, ये सामने से ही हैं जस्ट जीने, इसे चलेंगे हम लोग ऊपर। तो गाइस, फाइनली आ चुका हूँ मैं टेरेस पे, और आप देख सकते हो सिमरन जी हमेशा यहीं पे वीडियो बनाती रहती हैं। वैसे मुझे लगता है इस बार जो है मंथ में 3 या 4 बार आप यहाँ पे आ चुकी हैं। हाँ। तो ये बाहर का नज़ारा आप देख सकते हो, बिल्कुल हरियाली है। रील बनाने का बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लोकेशन है, क्योंकि सेकंड फ्लोर बाद में बनेगा, अभी तो फिलहाल नीचे का कंप्लीट हो जाए। तो ये आप देख सकते हो आसपास की लोकेशन, ये यहाँ की है। इधर आम के पेड़ भी हैं, आपको आम जो है सीजन में यहीं पे मिल जाएंगे, बहुत सारे आम आ जाते हैं। और ज़्यादातर आपने वहाँ पर भी रील बनाई हुई है उस जगह पे, तो बस यही है, देख लीजिए। तो मित्रों, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, सभी को हम बाय बाय बोलते हैं, आंटी जी को, अंकल जी को, सिमरन जी को, फिर मिलेंगे कभी, जल्द मिलेंगे, जल्दी जल्द मिलेंगे। तो ठीक है, चलते हैं फिर आंटी जी। बाय बाय सभी को, बाय। चलो सरवन, ले चलो गाड़ी।